हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले करंट अफेयर के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन को भी ऑन करना न भूलें। बेल आइकन को ऑन करते हैं तभी आपके पास लेटेस्ट वीडियो के मैसेज जाते हैं। बेल आइकन तब आता है जब आप रेड कलर का बटन दबा लेते हैं, उसके बाद आता है एक बेल आइकन, वो भी ऑन करना होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी बात वीडियो के एंड में करेंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होती है मैं वीडियो के एंड में देता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त बैंकों को बचाने हेतु, ये जितने की जगह जहाँ भी होगा मैं कितने बोलूँगा, ठीक है दोस्तों, गलत मिसप्रिंट है, हेतु कितने कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7,570 करोड़ रुपए का निवेश किया है। छः, केंद्र सरकार ने नागालैंड को और कितने महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया, 6 महीनों के लिए। हाल ही में किस देश ने लक्ष्यों पर बारीक नज़र रखने के साथ अपनी पनडुब्बियों की मदद के लिए पानी के भीतर एक नई निगरानी तंत्र विकसित किया है, चीन ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, तेलंगाना सरकार ने। मेनका गांधी ने महिला सशक्तिकरण हेतु यह ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया, नारी। वह कंपनी जिसने हाल ही में उत्तर प्रदेश में देश का दूसरा सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया, गेल इंडिया ने। हाल ही में दक्षिण भारत के किस सुपरस्टार ने राजनीति में प्रवेश की घोषणा की, रजनीकांत ने। वह खाड़ी देश जिसने हाल ही में वैट लगाए जाने तथा पेट्रोल की कीमत में 127% वृद्धि करने की घोषणा की, सऊदी अरब ने। भारत और किस देश ने 1 जनवरी 2018 को एक समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, पाकिस्तान ने। जिस देश के क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रशंसक से मारपीट को लेकर बल्लेबाज शब्बीर रहमान के घरेलू क्रिकेट खेलने पर 6 महीने का बैन और करीब 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई संयुक्त रूप से मापने की किस देश की पेशकश खारिज की, भारत। किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने एक टेस्ट में सर्वाधिक रनों की पारी खेलकर नाबाद रहने का 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, इंग्लैंड के। ताइवान ने पासपोर्ट पर गलती से ताइपेई के ताऊयुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बजाय वाशिंगटन डेलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ़ोटो छापने के चलते कितने लाख पासपोर्ट रद्द कर दिए, 2 लाख। हरियाणा की निशानेबाज अनीशा सैयद ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए महिला वर्ग के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का यह पदक जीता, स्वर्ण पदक। रेल मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय में किस क्षेत्र की श्रेणियों में व्यापक शोधन किया, रेलवे स्टेशनों की श्रेणियां। वह अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसने विश्व के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप के निर्माण की घोषणा की, नासा।
मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण कानून के तहत किस मुद्दे को लेकर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया? ट्रिपल तलाक। हाल ही में किस देश की अदालत ने एक गगनचुंबी इमारत की नीलामी 84.2 मिलियन डॉलर में की है? चीन। भारत की मदद से वर्ष 2018 में वह देश जो एक स्वदेशी तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगा? मंगोलिया। वह राज्य जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फाइबर ग्रिड परियोजना का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून पुस्तक के लेखक हैं? डेविस ग्रेन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को? भारत और अफगानिस्तान के मध्य किन दो स्थानों को जोड़ते हुए दूसरा हवाई आर्थिक गलियारा आरंभ किया गया? काबुल और मुंबई। लोकसभा ने जीएसटी के तहत मोटर वाहनों पर टैक्स की दर कितना प्रतिशत करते हुए विधेयक पारित कर दिया? 25%। वह परिवहन प्रणाली जिससे आरंभ करने के लिए अमेरिकी सुरक्षा मानकों का उपयोग किया जाएगा? पॉन टैक्सी। केंद्र सरकार ने जनवरी मार्च तिमाही हेतु पीपीएफ और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी छोटी बचत योजना की ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.2%। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे की होने वाली 10 उंगलियों की बायोमेट्रिक जांच से छूट दे दी है? 5 वर्ष। भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का समर्थन करने के लिए ऋण समझौता किया है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण अफ्रीका और निम्नलिखित में से किस देश के बीच होने वाला 4 दिवसीय टेस्ट मैच नए नियमों के तहत खेला जाएगा? जिम्बाब्वे। नीति आयोग द्वारा आरंभ किए गए किस राष्ट्रव्यापी मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब ATL की स्थापना के लिए 1500 स्कूलों का चयन किया गया? अटल इनोवेशन मिशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निर्धन परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाने हेतु यह योजना आरंभ की। प्रकाश है तो विकास है। वह देश जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने बतौर तेज गेंदबाज सर्वाधिक टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड बना दिया है? इंग्लैंड के। किस देश ने ओशियन इंडिया प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2018 में आयोजित किया जाएगा? सिंगापुर। किस देश ने अमेरिका का अनुसरण करते हुए इजराइल का अपना दूतावास यरूशलम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? गवाटेमाला।
किस राज्य सरकार ने रायगढ़ किले हेतु 17 सदस्यीय विकास प्राधिकरण स्थापित किया है? महाराष्ट्र। किस भाषा की फिल्मों के जाने माने अभिनेता पारत मुखोपाध्याय का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? बांग्ला। हाल ही में यह शहर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने अपनी ब्रांड पहचान को लोगों मिल गया है? बेंगलुरु। वह देश जिसने हाल ही में दक्षिण क्षेत्रीय बैडमिंटन का खिताब जीता है? भारत। वह मंत्रालय जिसका नाम बदलकर हाल ही में शिक्षा मंत्रालय रखा गया? मानव संसाधन मंत्रालय। इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहम्मद अल जोंडी। वह स्थान जहां पर भारत की पहली लोकल वातानुकूलित ट्रेन का संचालन आरंभ किया गया? मुंबई। नासा का स्पेस टेलीस्कोप जिसके द्वारा हमारे सौरमंडल जितनी ही एक और सौरमंडल खोजा गया? केपलर। वह नेता जिसने दूसरी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया? विजय रूपाणी। ब्रिटेन के सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CIBR कंसलेशी के अनुसार वह देश जो 2018 में यूके और फ्रांस को पछाड़कर डॉलर में विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? भारत। भारतीय टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में श्रीलंका पर क्लीन स्वीप के बाद 121 रैंकिंग पॉइंट के साथ पांचवें स्थान से कितने स्थान पर पहुंच गई? दूसरे। योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने छत्तीसगढ़ से खाद्य एवं हर्बल इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? 671 करोड़। तो दोस्तों इस वीडियो में थे इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों वीडियो को बना रहा हूँ मैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, तो अगर कोई कुछ गलती हुई होगी तो उसे माफ़ करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा यार। मैं पूरी आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप लाइक बहुत कम करते हैं। और आपको कोई सुझाव है, आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। प्रीवियस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और आपको अभी करंट अफेयर की पूरी वीडियो, चाहे उसमें आप कितनी भी वीडियो अपलोड हो, ठीक है, बीच बीच में मैं अपलोड करता रहूँगा। और जो लेटेस्ट करंट अफेयर रहेगी 2018 की, मैंने जनवरी की करंट अफेयर अपलोड कर दी है, प्लस आपको 2017 की अब मैं धीरे धीरे पूरी कवर करा दूंगा। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी करंट अफेयर से। आपका बहुत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपका करंट अफेयर से बिल्कुल भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछने दूंगा, सारी करंट अफेयर कवर करा दूंगा अगर आप चैनल के साथ में बने रहते हैं। प्लस आपको हैशटैग पार्ट्स GK के, प्लस आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, प्लस आपकी मैथ की वीडियो सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको किसी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिलता है तो दूसरा पूछ ले आप कमेंट बॉक्स में, और कोई दूसरों से बता सकता है यार। अगर कोई दूसरा एक दूसरे कमेंट के रिप्लाई कर दिया करो, अगर किसी को किसी क्वेश्चन का पता रहता है, क्योंकि मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सबसे पहले कमेंट के रिप्लाई करने स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। जितनों के भी होते हैं मैं कर देता हूँ, और जिसका नहीं होता है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी यार अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ आपके कमेंट, ठीक है। और यार दूसरों को भी बताओ चैनल के बारे में कि टॉपिक स्टडी चैनल पे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की और भी प्रिपरेशन कराई जा रही है, पूरी मैं मेहनत करके आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। आप थोड़ा सा और बताएं दूसरे बच्चों को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ सकें और हम अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकें। वीडियो अगर जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा भाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।